Yoddha Garud. हे परम प्रभु श्री विष्णु, मुझे इस पुत्र के रूप में स्वयं अपना आशीर्वाद दिया है आपने। हर माँ की तरह मैंने भी अपने पुत्रों के लिए स्वप्न देखे थे, आशाएं संजोई थी, पर पहले पुत्र के जन्म लेते ही मुझसे दूर हो जाने के कारण मेरी आशाएं बिखर गई थी, वो सारे स्वप्न टूट गए थे। और अब 1,000 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद मुझे ये पुत्र मिला है, तो मैं माँ बनने से पहले ही दासी बन चुकी हूँ। मुझे पता था प्रभु, जो मेरे भाग्य में है एक ना एक दिन मुझे भोगना ही होगा। बस ये नहीं पता था कि ऐसे इतना बड़ा आघात अपनी ही बहन के हाथों सहना पड़ेगा। पर अब अपने मन को शांत और मस्तिष्क को स्थिर रखने के लिए मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मैं अपने दोषों से पहले पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र पर मेरी तो क्या, संसार की किसी भी दोष की छाया न पड़े। दासी पुत्र होने के बाद भी आदर्श बने, महान बने, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु, इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं नहीं जानता, पर अनुभव कर सकता हूं कि माँ को मेरे जन्म लेने की प्रसन्नता तो अवश्य है, पर कहीं ना कहीं इनका मन उदास भी है। मुस्कुराहट में अजीब सी झिझक है, माथे पर चिंता की रेखाएं हैं। हे प्रभु, मुझे इतनी भक्ति, बुद्धि और शक्ति दीजिए कि मैं अपनी माँ की हर उदासी, हर चिंता, हर दुख को दूर कर सकूं। त्रिविंता, शिवशंकर की पारिजात माला और महाविष्णु के परम भक्त बालखिल ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला तेरा ये पुत्र पराक्रमी भी होगा और परोपकारी भी। ना तो ये किसी के साथ दुष्ट व्यवहार करेगा और ना ही किसी के साथ दुष्टता होने देगा। ऐसे अनेक असाधारण कार्य करेगा ये, जिनके कारण आने वाले युगों में समस्त संसार इसे धर्म योद्धा गरुड़ के नाम से जानेगा। गरुड़,
तेरा पुत्र गरुड़। आयुष्मान भावा, यशस्वी भावा। करू मेरा करू मां तुझे कोई घाव नहीं लगे तो ठीक है। असुरों से बच कैसे गया ये? माँ ने तो कहा था कि असुरों को कोई पराजित नहीं कर पाएगा, फिर ये जीवित कैसे बच गया? तो ठीक है। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए यहां से चला गया था। माँ मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आपका क्रोधित होना भी उचित है। माँ मेरी बात तो सुनिए, माँ मैं विवश था। बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। जानबूझकर किया गया कार्य भूल नहीं अपराध कहलाता है। मुझे पता था ना कि मैं तुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगी, इसलिए तूने मुझसे झूठ बोला। मां झूठ नहीं बोला, सत्य छुपाने का अपराध अवश्य किया है, पर मैं विवश था। मां ऐसी क्या विवशता थी, पूछ इससे कहां गया था। कदरू ने विंदा को छल से दासी बनाया था,
दोष मेरा ही है। मेरे ही अधिक लाड़ ने बिगाड़ दिया था तुझे। मुझे लगा था तू मेरे प्रेम से बंधा है, मुझसे दूर नहीं जाएगा। विश्वास था मुझे तू कहीं भी क्यों ना हो मेरी एक पुकार पर वापस लौट आएगा। पर वो भ्रम था मेरा। माँ, जीवन को जीव दिया तूने माँ, संसार से परिचय कराया से भी लड़ जाऊंगा जो तू मुझसे रूठ जाए माँ। अपना हर सुख तूने मुझको दिया, मेरे हर दुखों को हर लिया तूने माँ, लिया तूने माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है हुआ। मां नहीं मानी, मानेगी भी नहीं, क्योंकि इस बार तूने केवल उसकी अवज्ञा नहीं की है, मेरी भी की है, और वो अच्छे से जानती है कि इस बात का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा तुम दोनों को। घूर क्या रहा है? पिछली बार जो तूने दुसाहस किया था उसका क्या परिणाम मिला था तुझे? भूल गया है? मुट्ठी बीच रहा है, आक्रमण करेगा मुझ पे? क्या किया है मैं? किस बात का क्रोध है मुझ पर? आवेश में दांत पीसना बंद कर और बता, सत्य का पता करने गया था ना तू? क्या पता चला तुझे? ये पता चला कि कैसे तेरी मां ने तेरे भाई को अर्ध विकसित रूप में जन्म लेने के लिए विवश कर दिया था।
या फिर ये पता चला कि कैसे उसने शर्त लगाने के अवगुण के कारण तेरा और अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। ये मुझे उकसाने का प्रयास कर रही है ताकि मैं आवेश में आकर वो कर जाऊं जो ये मुझसे करवाना चाहती है, पर मैं इनकी चाल का मौना नहीं बनूंगा। अभी मुझे केवल ये पता चला है कि माँ इनकी दासी कैसे बनी, ये नहीं पता चला कि मैं उन्हें दासता से मुक्त कैसे कराऊं। इसलिए पहले मुझे उपाय खोजना है, फिर सही समय पर सही तरह से लक्ष्य प्राप्त करना है, पर उसके लिए मुझे अभी सूझबूझ का परिचय देना होगा। इसका अर्थ है तू मुझे सत्य नहीं बताएगा। ठीक है, मैं ही तेरी मां को जाके सत्य बता देती हूं कि तू कहां गया था। अपने प्रभु विष्णु जी को जितना प्रसन्न करना है तुझे कर ले विनता, पर मूर्खता करने पर प्रभु एक ही बार सहायता करते हैं, बार बार नहीं। क्या कहना चाहती हैं? तुझे क्या लगता है तेरा मेरा स्वप्न पूरा क्यों नहीं हुआ? ये तेरी पूजा का फल था, तेरे पुण्य कर्म थे जो आज तेरा पुत्र जीवित है, वरना होना तो वही था जो तूने और मैंने स्वप्न में देखा था। क्या क्या लगा था तुझे? तेरा पुत्र भ्रमण पर गया था या संसार देखकर लौटा है? असुरों की सेना के साथ युद्ध करके आया है तेरा पुत्र। गरुड़ अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अदिति दीदी तक पहुंच गया था। जहां उनकी तपस्या को भंग करने के लिए असुर सेना गई हुई थी। पर तेरा मूर्ख पुत्र बिना अपने प्राण की परवाह किए उस सेना को रोकने की मूर्खता कर रहा था। वज्रांग ने युद्ध स्थल से उसको हटाने के लिए अपना दूत भी भेजा। जाओ, जाओ, चले जाओ। किंतु इसने इस तप की रक्षा का लिया है मैंने संकल्प, युद्ध भी अवश्य करूंगा यदि ना रहा कोई विकल्प। बालक समझकर वज्रांग स्वयं से समझाने गया था, किंतु समझने के स्थान पर उसने असुर सेना के सेनापति वज्रांग को ही चुनौती दे दी। मैं बल का प्रयोग नहीं करना चाहता, आपके पास विकट दैत्य इतनी बड़ी सेना है, मैं भी दुर्बल नहीं। ये सब उसने तुझसे ही सीखा है ना विंता? अदिति के तप स्तर पर रक्षा रेखा खींच दी और उस रक्षा रेखा को पार करने के लिए सेना को ललकार दिया। यदि आपकी सेना का कोई एक भी योद्धा इस रेखा को पार कर लेगा, मैं स्वयं अपनी हार मार कर यहां से चला जाऊंगा। हमारी माँ दीदी ने इसे वचन दिया था कि हम असुर देव माता अदिति को सुरक्षित छोड़ देंगे,
पर यह वचन नहीं दिया था कि हम इस पक्षी और इसकी मां पर आक्रमण नहीं करेंगे। अब जा तू अपना आखेट कर ले, मैं यहीं बैठकर विष्णु जी का ध्यान करती हूँ। अवश्य, पर उससे पहले आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद कर लो? हाँ कीजिए ना माँ। माँ, बहुत दिनों से आपकी सेवा नहीं की थी, ना आपके लिए जल लाया, ना रात में पंखा जला, ना आपके चरण दबा पाया। आपकी सेवा के बिना जीवन अधूरा सा लगता है माँ। एक बार संतान बड़ी हो जाए, समर्थ हो जाए, फिर तो वो अपने माता पिता का मुख भी नहीं देखती। और एक ये मूर्ख है, स्वयं को अपनी माता की सेवा में न्योछावर कर रखा है इसने। तभी तो हमारे साथ युद्ध में हर समय माँ माँ की रट लगा रखी थी इसने। अब आ गया दीजिए। अब मिला प्रतिशोध लेने का अवसर। यहाँ तो आहार के लिए कोई भी जीव नहीं दिख रहा। माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये मेरी माया का चमत्कार है गरुड़। मैंने सभी जीवों को तुम्हारी दृष्टि से ओझल कर दिया है। आज तू किसी भी जीव का भोजन नहीं कर सकता है, बल्कि तू स्वयं बनेगा किसी का भोजन। हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, मेरी सहायता कीजिए। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए, अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों की सहायता कीजिए। हे दीनानाथ, मुझ पर दया कीजिए। तुम कौन? भयभीत मत होइए, मैं आपकी सहायता करने के लिए आया। तुम कौन हो बालक? तुम मेरी क्यों सहायता करना चाहते हो? बस आप यही समझ लीजिए कि मैं भी आप ही की तरह एक भक्त हूँ। और रहा प्रश्न आपकी सहायता करने का, तो मेरी माँ कहती है जब भी परोपकार करने का अवसर मिले तो हिचकिचाना मत। भोलेनाथ, तुम्हें आशीर्वाद दे बालक, बस मेरा एक काम कर दो, इस मटके में जल भरकर मेरी कुटिया तक छोड़ दो। बस इतनी सी बात? मैं अभी गया और अभी आया। लाइए। अंततः गरुड़ फंस ही गया मेरे जाल में, ये स्वयं ही मृत्यु की ओर बढ़ रहा है।
पार्वते वासुदेवाय। ये संघर्ष तेरी मृत्यु की आहट है गरुड़। ओम नमो भगवते वासुदेव। करुण, अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था, वो ठीक तो है? कहाँ रह गया? मैं उसकी प्रतीक्षा में यूं बैठी नहीं रह सकती, मुझे अपनी मन की आंखों से ढूंढना होगा उसे। माँ, आप यहाँ? करुण, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? माँ, मैं ठीक हूँ, मैं बस अभी आया। करुण, तू उसका पीछा क्यों कर रहा है? तू भूमि और आकाश का वासी है, जबकि वो मकर जलचर है। जल में उसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। माँ, आप सत्य कह रही हैं, पर आप ही ने मुझे सिखाया था कि जब भी भूख लगे तो प्रयास करना किसी दुष्ट प्राणी को ही मारा जाए, ताकि अन्य सभी निर्दोष प्राणियों की रक्षा हो सके और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। माँ, यदि आज इस मकर को मैंने छोड़ दिया तो भविष्य में इसके जैसे अनेक दुष्ट यहाँ आकर उत्पात मचाएंगे और सामान्य जन का जल पीना भी असंभव हो जाएगा। माँ, मुझे जाने दीजिए। यमराज को इतनी प्रतीक्षा मत कराओ मगरराज, शीघ्र ही शिकार करो इस पक्षी का। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु। ओम विष्णुवे नमः। तो ये सब इसी का षड्यंत्र था। दुष्टों को कितना भी समझाओ, ना सुधरते हैं ना संभलते हैं। अब शांत हुई तेरी भूख? बुराई का नाश करके केवल भूख ही नहीं, मन भी शांत हो गया। माँ, चल अब घर चलते हैं, कद्रू दीदी प्रतीक्षा कर रही होंगी। और माँ, वो शेष बातें हम घर चल के करेंगे। गरुड़, चल अब। ये भी अवसर हाथ से निकल गया, किंतु मुझे शीघ्र ही माँ को बड़ी माँ की मंशा से अवगत करना होगा।
चिंता मत कीजिए दीदी, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। तेरी चिंता नहीं है मुझे, किंतु तेरा पुत्र, वो भी आपको या आपके पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? जब तेरा पुत्र तुझे बिना बताए वैकुंठ जा सकता है, असुरों के साथ युद्ध कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। बहुत शक्तिशाली है वो और उत्तरदायी भी है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग किसी अनुचित कार्य के लिए कभी नहीं करेगा। उसमें मेरे संस्कारों के साथ साथ अपने पिता के गुण भी हैं। देखिए उसे, इतना कुछ जानने के बाद भी कितनी शांति से चैन की नींद सो रहा है। दीदी, हम दोनों उन महर्षि कश्यप की पत्नियां हैं जो जल में रहकर भी कमल की तरह निरासक्त हैं। जैसे कमल जल के भीतर रहकर भी जल की एक बूंद से भी अछूता रहता है, वैसे ही हमारे स्वामी भी सांसारिक विषयों से विमुख रहते हैं। ये सब मुझे ज्ञात है, तू वो बता जो तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हमारे स्वामी से प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि आप हर समय अपने पुत्रों की सुरक्षा की चिंता में डूबी रहेंगी तो आपको शांति कैसे मिलेगी? आपको स्मरण है, दीती दीदी जब संतान प्राप्ति की इच्छा से स्वामी के पास गई थी तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? सूर्यास्त की बेला थी और स्वामी तपस्या में लीन थे। कहिए देवी, कल्याण। स्वामी, मुझे अदिति दीदी की तरह संतान चाहिए। तथास्तु। स्वामी, मुझे अभी चाहिए। अभी? अभी अभी तो सूर्यास्त हुआ है देव, और यह उचित समय नहीं है संतान धारण करने के लिए। इस बेला में संतान धारण करने से उनमें तामसिक गुण आ जाते हैं देवी, और बड़े होने पर उनमें दुष्ट प्रवृत्ति पूरी तरह से छा जाती है। इसलिए हमें उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि आप केवल तन से ही नहीं मन से भी चरित्रवान और शक्तिशाली पुत्रों को प्राप्त कर सके, जो सदैव अपने धर्म के मार्ग पर चले। नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तू मुझे जितना भी समझा ले विंता, किंतु मेरे पुत्रों का ही सर्वस्त्र राज होगा, जो अगर उनके जीवित होते हुए संभव नहीं है। पर शीघ्र ही उस मत्स्य के आकार में वृद्धि हो गई और कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब महाराज को एक बार फिर उस पर दया आई और उन्होंने उस निरीह प्राणी को कमंडल से निकालकर एक बड़े पात्र में डाल दिया। एक दिन तीव्र ध्वनि से चौंक कर जब महाराज उस कक्ष में आए तो उन्होंने देखा कि वो बड़ा पात्र भी उस मत्स्य को समा पाने में सक्षम नहीं था।
मत का आकार और भी बढ़ चुका था, पात्र टूट चुका था और मत्स्य अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। अब महाराज के सामने उसे समुद्र में पहुंचाने के सिवा और कोई चारा ना था। जैसे ही मत्स्य ने उस अनंत जलराशि वाले समुद्र में प्रवेश किया, अचानक वातावरण बदल गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, अंधकार और प्रकाश के संयोग से अलौकिक दृश्य छा गया और महाराज सत्यव्रत को उस मत्स्य की महिमा का आभास हो गया। आप कोई साधारण मत्स्य नहीं है, अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। अपना सच्चा स्वरूप दिखाने की कृपा कीजिए देव। प्रणाम प्रभु। हे राजन, ये समस्त संसार 7 दिन के बाद नष्ट हो जाएगा। असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया, अज्ञान की कालिमा और उससे उत्पन्न हुई दुष्टता चारों ओर फैल गई है। संसार में अधर्म और पाप छाया हुआ, इसलिए मैंने हयग्रीव के प्राणों का अंत करने के लिए और उसके द्वारा फैलाई गई बुराई को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए मत्स्य रूप में यह अवतार लिया। आज से ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर विनाश का तांडव होगा। भयानक वर्षा होगी, समुद्र का जलस्तर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि पूरी पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। ऐसा विध्वंस होगा कि 10 दिशाओं में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए हे राजन, आपको एक ऐसी विशाल नाव का निर्माण करना होगा जिसमें सभी प्रकार के वृक्षों, वनस्पति के बीजों, जड़ी बूटियों, पशु पक्षियों और सप्तऋषि आदि को उस नाव में एकत्रित करना होगा और उसके बाद उस नाव को मेरे मत्स्य अवतार के साथ बांधना होगा ताकि प्रलय काल में मैं आप सबकी रक्षा कर सकूं। कालांतर में जब सृष्टि का सृजन होगा तब उस नए संसार की आप प्रजापति कहलाएं। नाश के मध्य जीवन के संरक्षण और विकास का दायित्व आपको ही निभाना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।